द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर इन आईपीएल 2024 वो है विराट धर्मेशन कोहली, किंग कोहली या फिर आप कहें अनस्टॉपेबल कोहली, क्योंकि जिस तरीके से कोहली का बल्ला इस साल बरसा है ना, उसको देख के कोई कह रहा है माशाल्लाह, क्योंकि कोहली का बल्ला माशाल्लाह आपने रैमिंग तो बहुत सुन ली होगी, लेकिन विराट कोहली के सर पे जो है ऑरेंज कैप विराजमान हुई है यहाँ पे विराट कोहली के सर पे जब से आई है। आईपीएल के पहले ही मैच से जब ऑरेंज कैप मिलनी शुरू होती है तभी से लेके अब 10 मैच हो चुके हैं यहाँ पे लगभग सभी टीमों के, और विराट कोहली के सर पे अभी भी जो ऑरेंज कैप है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो अभी भी विराट कोहली के सर पे विराजमान है। अब ऐसे में विराट कोहली जिन्होंने 10 मैच खेल लिए हैं, 500 ज्यादा बना दिए हैं, अब ऐसे में उनको रोक पाना इस वाले आईपीएल में या फिर इस आईपीएल 2024 में किसी के भी बस की बात है नहीं, क्योंकि 10 मैचों में कंसिस्टेंटली ये ऑरेंज कैप जो है कोई और बैट्समैन विराट से ले ही नहीं पाया है, चाहे फिर वो खुद ऋतुराज गायकवाड़ हो, फैफ डू प्लेसी रहे हो, या फिर आप ऋषभ पंत की बात करें या संजू सैमसन की बात करें, केएल राहुल की बात करें, किसी की भी बात कर लें, सीजन में विराट कोहली सबसे आगे निकल के रहे हैं, अनस्टॉपेबल रहे हैं। बेशक उनकी टीम जो है वो थोड़ी मजदार में बीच में फंसी नजर आई है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस कैप को कहीं बीच मजदार में फंसने दिया नहीं है, किसी और के सर पे जाने दिया नहीं है, खुद के सर से किसी और पे पहुंचने दिया नहीं है। वैसे में विराट कोहली की अगर आंकड़ों में बात करें तो इस सीजन आप सभी को पता है जिस तरीके से बैटिंग की है, एवरेज है उनका जिस तरीके से 76 के एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 500 रन बना चुके हैं 10 मैचों में, स्ट्राइक रेट 152 का है, कोई रोक नहीं पाया, एक शतक है चार अर्धशतक है विराट कोहली के सीजन में। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बचे हुए चार मैच जो है काफी इंपॉर्टेंट होंगे आरसीबी के लिए, विराट के लिए, कि कितना और कंसिस्टेंटली वो रन करके इस कैप को अपना बना सकते हैं। लेकिन ये जो सीजन रहे ना वो विराट को याद दिलाता है 2016 का सीजन, 2011 का सीजन, इसके अलावा मैं बात करूँ 7 ऐसे सीजन थे जहाँ विराट कोहली ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं एक पर्टिकुलर सीजन में या फिर आईपीएल के उस करंट सीजन में, यानी कि हम बात करें 2011 में कारनामा हुआ जब 557 रन बनाए, 2013 में विराट ने कारनामा किया जब 505 रन बनाए, फिर 2015 में जाते हैं उसके बाद 2016 में 973 का, मैं सबको याद है वो सीजन जहां विराट को कोई भी नहीं रोक पाया था, सेकंड हाईएस्ट जो थे वो डेविड वार्नर 848 है, उसके अलावा फिर नंबर 3 पे एबी डिविलियर्स है, लेकिन विराट को सीजन कोई रोक नहीं पाया था। उसके अलावा अगर आगे बढ़े तो 2018 में विराट कोहली ने जो है 600 से ज्यादा बनाए थे, उसके बाद 2023 में रन बने, उसके बाद 2024 आ गया जहां 10 मैचों में 500 रन विराट कोहली बना चुके। तो ऐसे में पिछले विराट कोहली ने 7 जो सीजन बनाए हैं जहाँ पे 500 ज्यादा रन उनके बल्ले से निकले हैं, लेकिन ये सीजन जो आपको रिमाइंड कराएगा वो साल 2016 की याद दिलाता है जहाँ पे विराट कोहली मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन थे, लेकिन उनका 7 जो है ना पिछले 2016 के सीजन में एबी ने दिया था, लेकिन इस सीजन विराट कोहली द लोनली वॉरियर बनकर साबित हुए हैं, लेकिन उनकी टीम अभी भी नंबर 10 पे है। लेकिन इसके अलावा आप ये देखें 2016 में भी उनके सर से ऑरेंज कैप हटी नहीं थी, और ये साल भी कुछ ऐसा ही जा रहा है ना, हर एक बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है कि विराट के सर से जो है ना ऑरेंज कैप को निकाला जाए और अपने सर पे विराजमान कराया जाए, लेकिन कोई भी अभी तक सक्सेसफुली जो है उस चीज में आगे बढ़ नहीं पाया है। तो इस सीजन विराट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि बचे हुए 4 मैचों में उनकी टीम और अच्छे से मैचेस जीते, बड़े अंतर से जीते, ताकि आने वाले मैचेस में जो है टोटल जो है अपने 14 पॉइंट्स कर लें और आने वाले जो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो बनेगा वहाँ पे 14 पॉइंट्स के साथ में वो टीम जो है क्वालिफाई कर पाए, ताकि विराट आने वाले और 2-3 मैच खेलें, शायद ये ऑरेंज कैप जो है सीजन विराट के सर पे ही विराजमान रहे। और ऐसा पहली बार होगा हिस्ट्री में कि पहला बंदा जिसने शुरू से लेके आखिरी तक ऑरेंज कैप अपने सर पे ही विराजमान रखी और किसी को भी जो है ऑरेंज कैप लेने का मौका ही नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली सीजन ऑरेंज कैप जीतेंगे या नहीं? इसके अलावा कौन सा और बल्लेबाज जो है वो ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली से छीन के अपने सर पर ले जाएगा या फिर अपने नाम इस सीजन के ऑरेंज कैप करवा जाएगा, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक और नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।